और यहाँ पे मैं आपको 360 एंगल से भी दिखा देता हूँ। इस साइड के ऊपर आप देख सकते हैं तो ये चारों तरफ से जो खूबसूरती के मनाजिर पेश कर रही है पार्क। रांची माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा है। अभी सेल मेल के लिए आए, गाँव से आए ना, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कराची है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के ब्लॉग में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। अभी मौजूद हूँ मैं क्लिफ्टन कराची और यहाँ पे मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं आप दोस्तों को एक बहुत बड़ा पार्क नज़र आ रहा होगा जो कि सी वी ओ के ऊपर बनाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा पार्क है, तकरीबन 35 एकड़ में ये पार्क बनाया जा रहा है। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है वो कुछ ऐसे दरख्त हैं जो बहुत ही नायाब किस्म के दरख्त होते हैं। और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि साहिल के ऊपर जो है कोकोनट वगैरह के इस तरह के जो पौधे हैं वो लगाए जाएँ, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक एक्शन लिया है। और यहाँ पे बहुत सारे दरख्त वगैरह भी इस टाइप के लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप दोस्तों को काफ़ी फूल वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, तो काफ़ी खूबसूरत ये साहिल है। इसकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप दोस्तों को इसी ब्लॉग में बताऊँगा, साथ साथ में लोकेशन भी आप दोस्तों को बता देंगे कि आप ख़ुद भी यहाँ का विज़िट कर सकते हैं और आके यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ रहिएगा और यहाँ से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो आइए मेरे साथ। अच्छा, ये नया पार्क बनाया गया है तो आपको कैसा लग रहा है ये पार्क देखकर? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पार्क है और माशाल्लाह मज़ीद और भी इसमें काम जारी है, हमने देख लिया और भी, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पार्क है। सी वी ओ पे सामने समंदर भी है और पार्क भी खूबसूरत है। और वैसे आप कहाँ से आए हो? कहाँ से? मैं पेशावर से दरा दमखेल से हूँ। अच्छा, वार्ड से आगे दरा दमखेल पेशावर। कराची आपको कैसा लगा? कराची माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा। अभी सेल मेल के लिए आए, गांव से आए ना, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कराची है। सही है। और ये छोटे भाई हैं आपके, कौन है? ये भी रिश्तेदार है गाँव। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम सलमान अफरीदी है। आप बताएं क्या तासरात हैं आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छा जगह है और बहुत इंजॉय किया है, और माशाल्लाह इससे अच्छा जगह हमने देखा नहीं है कराची में, और पहली दफ़ा मैं भी आया हूं। और इसके अलावा सीवियों का इंजॉय भी कर लिया, वो भी अच्छा जगह है माशाल्लाह। आप उस साइड पे गए समुंदर की तरफ? गए जी गए, नहा लिया था वहाँ से। साहिल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा दिन यहाँ गुजार लिया, बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया। ये तो काबिल तारीफ़ है, हमारी सिंध गवर्नमेंट भी काबिल तारीफ़ है, सीबीसी भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो भी अच्छा काम होता है हमारा फ़र्ज़ है कि भाई उस चीज़ को हम अच्छे तरीके से जो है ना उसको अप्रिशिएट करें। यहाँ पर तमाम नाज़रीन को वेलकम बैक कहता हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों को 360 एंगल से मैं दिखा देता हूँ कि ये पार्क कितना खूबसूरत है और साथ साथ में ये कितना बड़ा पार्क है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये लोकेशन जो है अगर आप गूगल मैप से आना चाहें तो चंकी मंकी रेस्टोरेंट है मेरे बिल्कुल बैक साइड के, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड के ऊपर, और वहीं से ये पार्क शुरू हो जाता है जो कि बहुत बड़ा पार्क है। जैसे कि आप दोस्तों को मैंने व्लॉग के शुरू में बताया है कि ये तकरीबन 35 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको 360 एंगल से भी दिखा देता हूँ, इस साइड के ऊपर आप देख सकते हैं तो ये चारों तरफ से जो खूबसूरती के मनाजिर पेश कर रहा है ये पार्क, और यहाँ पर आके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये शिकवा होता था कि जब हम सी वी ओ के ऊपर जाते हैं यानी कि सैल समुंदर के ऊपर जाते हैं तो बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर रेत होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बहुत ये शिकायत थी। तो इसके ऊपर एक्शन लिया गया है और यहाँ पर ये खूबसूरत पार्क बना दिया गया है। साथ साथ में जैसे कि आप दोस्तों को मैंने व्लॉग के शुरू में बताया है कि यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें कुछ बेंचेस वगैरह मंगाई गई हैं। अभी तकरीबन 160 बेंचेस यहाँ पे लगा दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी बेंचेस आएंगी, तकरीबन 300 बेंचेस का टारगेट है जो कि पूरा किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो दरख्तों की अगर हम बात करें तो कोकोनट के जो दरख्त हैं काफ़ी नायाब दरख्त होते हैं, वो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 500 दरख्त यहाँ पर लगाए जाएँगे। और मेरी कोशिश थी इस व्लॉग में कि आप दोस्तों को यहाँ के तमाम मनाजिर दिखा सकूँ, साथ साथ में आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ। और उसके अलावा यहाँ पे तमाम नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम जो हैं सी वी ओ के भी व्लॉग्स बनाएं और यहाँ पे आके जो साहिल समुंदर है वहाँ का जो नज़ारा है वो भी आप दोस्तों को दिखाएं, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आज का व्लॉग भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये व्लॉग लाजमी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।